भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तान और सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार सौरव गांगुली आज 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। 11,000 से ज्यादा टेस्ट रन और 7,000 से ज्यादा वनडे रन बनाने वाले सौरव गांगुली को क्रिकेट इतिहास के सबसे आकर्षक और बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक गिना जाता है। ऑफ साइड में उनसे बेहतरीन शॉट लगाने वाला शायद ही कोई और बल्लेबाज हो। स्पिनरों के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर छक्का जड़ने में दूसरा कोई और उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आइए जाने इस महान क्रिकेट की 5 बेहतरीन पारियों के बारे में। 183 रन वर्सेस श्रीलंका 1999 वर्ल्ड कप। इस पारी को सौरव गांगुली के वनडे की सबसे यादगार पारियों में से एक माना जाता है। भारत का पहला विकेट 6 रन पर गिरने के बाद गांगुली ने द्रविड़ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 318 रनों की जोरदार साझेदारी की। गांगुली ने 158 गेंदों में 17 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 183 रन की यादगार पारी खेली। 141 वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई ये पारी गांगुली के वनडे करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में शुमार है। गांगुली ने 142 गेंदों पर 11 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 141 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए भारत का स्कोर 50 ओवर में 6 विकेट पर 295 रन पहुंचा दिया था। 144 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2003। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले ही मैच में ब्रिस्बेन की उछाल लेती पिच पर खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने विपरीत परिस्थितियों में खेली गई गांगुली की ये पारी वाकई यादगार है। विदेशी धरती पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई ये सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है। 239 वर्सेस पाकिस्तान 2007। गांगुली ने बेंगलोर में खेले गए इस मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों को गेंदबाजी का ककहरा सिखाते हुए धमाकेदार दोहरा शतक ठोका। महज 361 गेंदों में 30 चौकों और 2 छक्कों से सजी इस आतिशी पारी को गांगुली के करियर की सबसे लाजवाब पारियों में से एक माना जाता है। 131 वर्सेस इंग्लैंड 1996। अपने पहले ही टेस्ट मैच में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में शतक जड़ना हर बल्लेबाज का सपना होता है और गांगुली ने ये कारनामा कर दिखाया। अंग्रेज गेंदबाजों की धुनाई करते हुए गांगुली ने एक स्टार के आगाज का संकेत दे दिया था।